from the textbook of class 3rd, and the topic is noun and noun as a gender. So let us start the topic. पहला हम topic लेंगे noun. पहले हम देखते हैं what is noun. Noun होता क्या है? तो noun is a name of person, place, an animal, a bird, or thing. So noun क्या होता है? कोई भी इंसान, जगह, जानवर, पक्षी या चीजों के नाम को हम लोग noun कहते हैं. Example में लेते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं हम लोग person, place, animal, bird और thing. तो हम एक एक example इन सबका देख लेते हैं तो हमें noun अच्छे से समझ में आता है. तो person में हम हमारे फादर ऑफ नेशन का नाम ले लेते हैं, महात्मा गांधी. He is our father of nation. तो पर्सन नाउन में क्या नाम है? महात्मा गांधी का. तो ये क्या हमारी लैंग्वेज होती है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन. तो नेम ऑफ पर्सन ये हो गया नाउन. तो केस में हम लोग देख लेते हैं अपने ही जगह का नाम लेते हैं नान पार. तो ये जो नामवारा है वो हमारा प्लेस हो गया. तो ये हमें कहां यूज हुआ? नाउ. ये क्या हुआ? नाउ हमारा. नाउ इज द नेम ऑफ प्लेस. अब हम एनिमल पे देख लेते हैं. डॉग. तो ये भी हमारा नाउ हुआ. क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से नाउ इज द नेम ऑफ एन एनिमल. बर्ड में ले लेते हैं पैरट. तो ये भी नाउन हो गया. क्यों? क्योंकि नाउन इज द नेम ऑफ अ बर्ड. अब थिंग में ले लेते हैं पेन ले लेते हैं. तो ना ये भी नाउन हो गया. तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये समझाना चाहती थी कि नाउन होता क्या है. Noun is the name of person, place, animal or thing or a bird. इसको हम लोग हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. तो ये इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नाउन. अभी हम लोग इंग्लिश ही पढ़ते हैं लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने हिंदी में बता दिया. नाउन किसी भी पर्सन, इंसान, जगह, जानवर, पक्षी या चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे दो टाइप के नाउन के बारे में जो आपकी टेक्स्ट बुक में स्पेसिफाइड है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन जिसमें हम लोग दो टाइप देखेंगे. पहला है कॉमन नाउन और दूसरा है हमारा प्रॉपर नाउन. तो पहला क्या है हमारा? पहला मेरे साइन क्या है? कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन होता क्या है? कॉमन नेम जो हमारे होते हैं उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं. जो भी कॉमन नेम, जैसे अगर हम बहुत सारे बच्चे बैठे हैं उसको स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो ये कॉमन नेम हो गया हमारा. तो हम डेफिनेशन दे लेते हैं एक बार. नेम ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन, एनिमल, places or thing. Yeah.
आप पेशेंट सारे जाते हैं, दोनों में एक एक चीज क्या लगा दी, एक तो वो कॉमन नेम लग दिया हॉस्पिटल। और वैसे ही जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं या कोई वो गुरुकुल हो या कुछ ऐसा हो, तो हमने कॉमन नेम क्या यूज किया था, स्कूल, जहाँ पे 12th तक के पढ़ा रहे होंगे। फिर कॉलेज आगे जब हम लोग बाकी डिग्री करते हैं तो उसको हम लोग कॉलेज कह देते हैं। तो ये कॉमन नेम में कॉमन नेम ऐसे नहीं होता। तो हम एग्जाम्पल्स भी दे देंगे। पहला है दी स्टूडेंट, और दूसरा है
छोटा भाई है, तो राज हमारा प्रॉपर नाम हो गया क्योंकि ये स्पेशल नेम ऑफ पर्सन है, क्योंकि ये मेरे भाई का नाम है। हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं प्रॉपर नाम का, एग्जाम्पल लेकर के हम डिफरेंस देखेंगे। हम ब्लड वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, प्रॉपर नाम का कॉमन नाम, ठीक है। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल ही है। जैसे कॉमन नाउन में हमने क्या बताया था, कॉमन नेम, तो कॉमन नाउन में हमने बॉय लिया, हमने कॉमन नाउन में क्या लिया, बॉय। और बॉय का अगर कोई नाम हो जाए तो ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा कि नहीं? प्रॉपर नाउन मतलब स्पेशल नेम फॉर पर्सन। तो कॉमन नाउन में हमने बॉय अगर यूज किया है तो प्रॉपर नाउन में अगर हम किसी भी बॉय लड़के का नाम स्पेशली यूज करते हैं तो हम वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कॉमन नाउन में रिवर का यूज, ठीक है। हमने रिवर लिखा, अब ये नहीं पता है कौन सी स्पेसिफिक रिवर, और तो ये कॉमन नाउन में चला गया। फिर अगर हम यहाँ पे दी गंगा लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसमें स्पेशल नेम यूज हुआ है कि इस रिवर की बात हो रही है। हमने ये नहीं कहा कि रिवर्स होगा, इस रिवर की एक स्पेसिफिक रिवर की बात हो गई तो वो प्रॉपर नाउन में चला गया। और अगर रिवर की बात हो गई, कोई मतलब स्पेसिफिक कोई रिवर का नाम नहीं है, रिवर की बात हो गई तो भी कॉमन नाउन में चला गया। फिर एक ले लेते हैं बुक, हम सारी बुक्स के बारे में बात करें, एक स्पेसिफिक बुक के बारे में नहीं बात करें। और अगर हम यहां लिख दें मैथ बुक, तो इस बुक के बारे में बात होगी मैथ्स के बारे में, कोई स्पेसिफिक चीज का नाम, तो प्रॉपर स्पेशल नेम हो गया मैथ्स, तो प्रॉपर नाउन में आ गया। फिर हम एक लेते हैं सिटी, हमने किसी सिटी का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ सिटी बोला तो ये कॉमन नाम में चला गया, क्यों, ये कॉमन नेम है। अगर हम यहां लिख दें दिल्ली, तो ये जो है स्पेशल नेम हो गया, किसी भी सिटी के, एक स्पेसिफिक सिटी के बारे में बात हो रही है तो ये प्रॉपर नाउन में चला गया। ऐसे ही लास्ट हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं मैन, हमने ये नहीं बताया किस मैन के बारे में बात होगी, सिर्फ हमने मैन लिखा, तो मैन अगर हमने सिर्फ मैन लिखा है तो ये कॉमन नाउन में चला गया। अगर हम इसी के आगे मिस्टर वर्मा लिख दें तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाम, क्योंकि ये स्पेशल नेम हो गया, उनको संबोधित करके हमने ये उनका नाम बुलाया, मिस्टर वर्मा प्लीज कम हियर, हमने ये नहीं बोला था मैन प्लीज कम हियर, हमने क्या बोला, मिस्टर वर्मा प्लीज कम हियर, तो ये प्रॉपर नाम में हो गया कि हमने इसका स्पेशल नेम यूज किया। तो हमने इस हाफ सेशन में करना पड़ा है नाउन काइंड ऑफ नाउन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अभी कि नाउन एज अ जेंडर। तो हमने पढ़ा नाउन और काइंड ऑफ नाउन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे नाउन एज अ जेंडर। तो पहले तो देखिए जेंडर होता क्या, व्हाट डज जेंडर डिनोट, कि जेंडर होता क्या। तो जेंडर आर That denotes whether a noun is male, female, common or a lifeless object. तो ये जेंडर हमें क्या बताता है कि जो नाउन हम यूज कर रहे हैं वो मेल है, मेल मतलब लड़का, फीमेल मतलब लड़की, कॉमन मतलब बोथ, और लाइफलेस मतलब जिसमें कोई लाइफ ना हो, नॉन लिविंग, तो उसे हम जेंडर कहते हैं। तो इस
जैसे जेंडर को नाउन क्या डोनेट करते हैं, इट डिनोट्स वेदर अ नाउन इज मेल फीमेल कॉमन और अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मेल फीमेल कॉमन और लाइफलेस के बारे में, और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट पार्ट मेल। स्टूडेंट हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे मस्कुलिन जेंडर के बारे में। तो पहले हमने जेंडर क्या, आपको जेंडर डिनोट्स वेदर द नाउन इज मेल फीमेल कॉमन और लाइफलेस। तो पहला था हमने क्या लिखा, मेल, तो हम उसको मस्कुलिन जेंडर ही कहते हैं। तो ये क्या होता है, रेफर्स टू अ मेल कैरेक्टर। अगर हम किसी भी नाउन में मेल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये मस्कुलिन जेंडर में चला जाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर हम किसी भी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, दिस बॉय इज वेरी गुड, दिस बॉय इज वेरी गुड, तो हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं तो ये मस्कुलिन जेंडर हो गया, क्योंकि हम इसमें लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जो पुरुष होते हैं उसको हम लोग मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मैन या डॉग, ये तीन एग्जाम्पल मेल मेल है, तो ये मस्कुलिन जेंडर में चले। तो मस्कुलिन जेंडर में हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि मस्कुलिन जेंडर होता है क्या। मस्कुलिन जेंडर रेफर्स टू मेल कैरेक्टर, किसी भी मेल कैरेक्टर को हम लोग मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था बॉय मैन और डॉग, ये सब जो है मेल कैरेक्टर में आते हैं, तो इसको हम लोग ने मस्कुलिन जेंडर कह दिया। अब सेकेंड है फेमिनिन जेंडर, तो हम फेमिनिन जेंडर के बारे में आगे पढ़ते। तो हमने जेंडर की डेफिनेशन पहले क्या पढ़ी थी, दैट डिनोट्स नाउन वेदर द नाउन इज मेल फीमेल कॉमन और लाइफलेस। तो पहले हमने मेल के बारे में पढ़ा, क्या एक और चीज क्या कहते हैं उसको, मस्कुलिन जेंडर। अब हम फीमेल में पढ़ेंगे जिसको हम लोग फेमिनाइन जेंडर भी कहते हैं, जो फीमेल वर्ड कंसिडर्ड होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेफर्स टू अ फीमेल मेंबर ऑफ अ कैरेक्टर। किसी भी फीमेल मेंबर, किसी भी स्त्री, अगर हम स्त्री बोलते हैं तो वो फेमिनिन जेंडर में आती है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे हमने मेल में लिया था, मेल में हमने पहला लिया था बॉय, तो हम यहां पे ले लेते हैं गर्ल। ये फेमिनिन जेंडर है क्यों, क्योंकि ये किसी फीमेल के बारे में बात कर रहा है, तो ये हमारा फेमिनिन जेंडर हो गया। फिर दूसरा हमने मेल मस्कुलिन जेंडर से कितना एग्जाम्पल लिया था, मेल का, तो हम यहां वुमेन का ले लेते हैं। और तीसरा हमने वहां डॉग लिया था, तो हम यहां पर डियर लिख लेते हैं। तो ये तीनों जो है हमारे फीमेल फीमेल है, तो ये हमारे फैमिली जेंडर में आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा फैमिली मेंबर के बारे में, दैट रेफर टू अ फीमेल मेंबर ऑफ अ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर में अगर फीमेल आता है, जैसे हमने कहा द गर्ल, जैसे हमने एग्जाम्पल किया था मस्कुलिन जेंडर में बॉय के बारे में, हमने क्या बोला था, बॉय इज वेरी गुड, तो अगर हम ये लिखते तो गर्ल इज वेरी गुड, तो गर्ल जो हो गया वो फैमिली मेंबर हो गया, क्योंकि हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फीमेल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो फैमिली मेंबर हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, वुमेन और डियर, एज अ सेम जैसे हमने मस्कुलिन जेंडर में मैन और डॉग में दिया था, वैसे हमने एग्जाम्पल में फीमेल में वुमेन और डियर दिया। तो हम इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है कॉमन। तो हमने स्टूडेंट
जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, सॉरी न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रेफर्स टू अ मेंबर ऑफ स्पेशीज विच इज नाइदर मेल नॉट अ फीमेल। ऐसे स्पेसीज जो मेल और फीमेल दोनों नहीं होते उन्हें हम लाइफलेस जेंडर में लेते हैं। अब सोचे होंगे ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो मेल और फीमेल नहीं होती? तो ऐसी चीजें जो लाइफलेस, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है। साइंस में आपने नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा होगा, वो है जो चल फिर नहीं सकती है या सांस नहीं लेती है, उनको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स में कंसिडर करते हैं। तो ऐसी चीजें लाइफलेस जेंडर में शुरू होती है जिसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में टेबल हो गए, अब हम ये नहीं कहते टेबल लड़की है या लड़का है, हम क्या बोलते हैं? टेबल। क्योंकि चल कर नहीं सकती, सांस नहीं लेती, तो ये लाइफलेस जेंडर होता है जिसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर भी कहते हैं। टेबल, पेन, पेंसिल, चेयर, इट इज, आगे भी बहुत सारे होते हैं। तो हमने लाइफलेस जेंडर के बारे में क्या क्या पढ़ा है कि इसको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, जो ऐसे मेंबर्स ऑफ स्पीसीज जिसका जो मेल और फीमेल दोनों नहीं होते उसे हम लोग लाइफलेस जेंडर कहते हैं। तो एग्जांपल हमने देखा था इसमें क्या, टेबल, पेन, पेंसिल, चेयर एक्सेट्रा, ऐसे जेंडर, ऐसे एग्जांपल हमने लिए हैं जो नॉन लिविंग थिंग, जो सांस चल फिर नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, खाना नहीं खा सकते, ऐसे लाइफलेस ऑब्जेक्ट, ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हमारे लाइफलेस जेंडर में आते हैं जिसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर के। क्या करेंगे एज यूजुअल रिकॉल कि हमने इस सेशन में क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा नाउन कि नाउन होता क्या है, व्हाट इज नाउन। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट उठाया टाइम्स, नाउन के टाइम्स उठाए, तो हमने दो उसमें पढ़े, प्रॉपर और कॉमन। फिर हमने तीसरा पॉइंट उठाया नाउन एज अ जेंडर। तो इसमें हमने पहले जेंडर की डेफिनेशन पढ़ी, जेंडर क्या डिफाइन करता है ये पढ़ा। फिर हमने उसी से रिलेटेड चार टॉपिक उठाए कि जेंडर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, That denotes whether the noun is male, female, common, like or lifeless. तो हमने वो चार टॉपिक उठा करके चार पॉइंट पढ़े, मेल, फीमेल, कॉमन और लाइफलेस, जिसको हम लोगों ने स्पेसिफिक टर्म के थ्रू पढ़ा। मेल को हमने मस्कुलीन जेंडर के बारे में, जेंडर में पढ़ा, मस्कुलिन जेंडर भी कहते हैं, तो हमने मेल को मस्कुलिन जेंडर के अंदर पढ़ा, फीमेल को हम लोग ने फेमिनाइन जेंडर में पढ़ा, फेमिनाइन जेंडर के अंदर पढ़ा, कॉमन को कॉमन जेंडर के अंदर पढ़ा और लाइफलेस को हमने न्यूट्रल जेंडर में पढ़ा। तो ये एक तरीके के जेंडर के टाइप भी होंगे और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टॉपिक भी होगा। तो आज का सेशन बस यही तक है, अगले सेशन में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक स्टे ट्यून और रिवाइज जरूर करिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी इश्यू है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे ग्रुप पे मैसेज कर दें या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।